जय श्री राम बच्चों। और जैसा कि आप जानते हो, आप तो जानते ही हो, जो एडवांस वीक चल रहा है और उसी का रिवीजन हम चला रहे हैं। आगे बढ़ाते हैं अपना सेशन। तो प्रॉब्लम है, कंप्यूट द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 2019 एंड एक्स स्क्वायर प्लस मिनिमम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इसमें आप सबसे पहले ऑब्जर्व कर लो कि क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2019 है, ठीक है, और आपका एक्स वाई इंटीजर है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन 2019, वाई स्क्वायर विल बी लेस देन 2019। तो यहां से आप इजीली बोल सकते हो कि मॉड एक्स शुड बी लेस देन अंडर रूट ऑफ 2019। आपको पता है 45 स्क्वायर 2025 होता है, राइट? तो ये मान लो तुम्हारा मॉड एक्स जो है 44 लेस देन इक्वल टू 44, मतलब एक्स तुम्हारा -44 से 44 के बीच में आएगा। ठीक है, अब अपन अपने मेन इक्वेशन जो सेकेंड इक्वेशन है उस पे आते हैं। सेकेंड इक्वेशन में मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस मिनिमम ऑफ एक्स वाई। तो पहला केस ले लो कि एक्स इज लेस देन वाई, तो उस केस में तुम्हारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो यहां से आपके पास बनेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। तो एक्स की जगह तुमने डाल दिया -y -1। तो अब अगर मैं ये चीज यहाँ पुट कर दू तो -y -1 मेरा -44 से 44 के बीच में आना चाहिए। तो y मतलब मेरा y should be greater than or equal to -45 and y should be less than or equal to 43। तो -45 से 43 एक ये केस बना। दूसरा केस आप सिमिलरली बनाना, x square plus y is equal to y square plus x अगेन। अच्छा, तो वो अब इस बार आपके पास आएगा कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है। तो बस अब इसके लिए इस बार आप ऐसे ही देना वाई की कितनी वैल्यूज आ रही है और दोनों रेंजेस को ऐड कर देना, ठीक है, मतलब दोनों से आप नंबर ऑफ वैल्यूज निकाल लो, एक्स वाई की कितनी आ रही है और उन्हें ऐड कर देना, तो वो आपका टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। देख लेना कोई कॉमन अगर बन रहा हो तो इंटरसेक्शन हटा देना, ठीक है। यहाँ से दिस इज समथिंग आई हैव लेफ्ट फॉर यू टू डू, है ना। यहाँ से आप ये प्रॉब्लम इजीली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इस टाइप के प्रॉब्लम एडवांस में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, थोड़ा नंबर थ्योरी थोड़ा अलजेब्रा, है ना। तो बिल्कुल आ सकता है इस टाइप का प्रॉब्लम, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी का कंसीडर होगा। इन अ 5x5 ग्रिड अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम 0 0 एंड वांट्स टू रीच 5 5। If it can move only right or up, the probability that the particle does not move through either 2, 3 or 4, 5। तो यहाँ पर आपको 0 0 से 5 5 तक जाना है, और जो भी पाथ है तुम्हारा वो या तो अप हो जा या राइट हो जा। अप और राइट की सारे परमुटेशन आएंगे, ठीक है, अप और राइट के ही सारे परमुटेशन आएंगे। तो जितने अप स्टेप्स लगेंगे 5 अप्स एंड 5 राइट्स, तो इनके टोटल परमुटेशन क्या हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ये तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ पाथ्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल डज नॉट मूव थ्रू आइदर 2, 3। तो लेटर से 2, 3 यहां से ही आएगा
और 4.5, मतलब इन दोनों से पास नहीं होना चाहिए। तो आप समझ जाओगे इसमें, तो आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाना है। आप कैसे लगाओगे? मैं वो नंबर ऑफ पार्ट्स निकालू जो या तो 2.3 से पास करते हो या 4.5 से पास करते हो, और सब्ट्रैक्ट कर दो वो पार्ट जो दोनों 2.3 और 4.5 से पास करते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स पासिंग थ्रू 2.3 कितने होंगे? पार्ट्स थ्रू 2.3 ये कितने आएंगे? आपने 0 0 से शुरू किया और आपको 2.3 तक जाना है। इसमें दो अप स्टेप्स है और तीन राइट स्टेप्स है। तो अगर मैं इनके परमुटेशन जमाऊं तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी की पार्टिकल है ना, ये हो जाए नंबर ऑफ स्टेप्स थ्रू 2.3, और नंबर ऑफ स्टेप्स सिमिलरली फ्रॉम 4.5 कितने होंगे? नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आप 2.3 तक जाए है ना, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी होगी। पहले आप 0 0 से 2 3 पे आए और अब आप 2.3 से 5.5 भी तो जाओगे। तो 2.3 से 5.5 जाने के कितने स्टेप होंगे बेटा? ये जितने अप स्टेप्स लिए आपने दो लिए और राइट में आपने 3 का मूवमेंट किया, तो ये बना था इनटू 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। प्लस आप आए 4.5 पे, तो 4.5 पे आने के लिए कितने स्टेप लगेंगे? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 4.5 से 5.5। राइट स्टेप्स तो आप एक भी नहीं ले सकते है ना, और ऊपर जाने का कितने स्टेप लोगे? सॉरी, ऊपर आप एक भी नहीं जा सकते और राइट लेने का आप एक स्टेप लोगे, राइट? तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल है ना, एक ही राइट है। मतलब यहां 4 5 से 5 5 नाइन फैक्टोरियल क्यों आएगा? एक ही तरीका है, 4 5 से 5 5 जो मूवमेंट अलाउड है, आप ना तो ऊपर जा सकते हो है ना, आप नीचे तो जा नहीं सकते, लेफ्ट जा नहीं सकते, बस ऊपर जाओगे। अब आपको माइनस करना है वो वाले पाथ जो इन दोनों से पास होते हो। तो 0 0 से 2.3 तक जाओ, 2.3 से 4 5 तक जाओ, फिर 5 5 तक जाओ, उतने नंबर ऑफ स्टेप्स। तो 0 0 से 2.3 जाने के जितने स्टेप्स हैं, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इससे बाद मुझे 2.3 से 4.5 जाना है, तो 2 राइट है और 2 अप है, ठीक है, इनटू 4 फैक्टोरियल, टोटल ऑब्जेक्ट 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 4.5 से 5.5 जाने का एक ही स्टेप है। पर ये क्या आया बेटा तुम्हारा? ये आया तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ वेज विच पास थ्रू इधर 2.3 और 4.5। मुझे क्या चाहिए? सर नॉट चाहिए, राइट? और एक तो प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी के लिए किससे डिवाइड कर देंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टेप से, ठीक है। तो इधर मैं इसका आंसर एक बार अच्छे से बनाऊं, यहाँ पे तो क्या क्या बन रहा है? एक तो बन रहा है 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर प्लस 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल माइनस
फाइव फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, ये क्या बन जाए टोटल नंबर ऑफ वेज डिवाइडेड बाय ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल पाथ्स डिवाइडेड बाय दिस 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बनेगी किस चीज की, कि या तो मैं 4 कमा 3 से जाऊं या तो मैं 2 3 से जाऊं या मैं 4 5 से जाऊं, और मुझे क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नेजेशन, मुझे 1 से माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर जो है अपना ये बनेगा 1 माइनस ये कैलकुलेशन, और ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आप करो। अब इसका आंसर तुम्हें नेट पर मिलेगा नहीं, ये कैलकुलेशन आप कर लेना खुद से, ये मेरा बनाया हुआ थोड़ा क्वेश्चन है ना, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन मार्केट में पॉपुलर है तो मैंने उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। ठीक, इजी प्रॉब्लम राइट। प्रोबेबिलिटी पीएनसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिड वाले प्रॉब्लम आप करते जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सीक्वेंस एंड सीरीज से, और ये भी मेरा सेट किया हुआ प्रॉब्लम है। अ सीक्वेंस ए आई हैज द प्रॉपर्टी दैट समेशन आई इक्वल टू 1 टू 10 एस आई इक्वल टू 2024 वेयर एस एन इज इक्वल टू समेशन ए आई। ठीक है, मतलब एस एन इज द सम ऑफ टर्म्स, और उनका भी सारे सम ऑफ टर्म्स अप टू आईथ टर्म का सम फॉर 10 टर्म्स इज 2024। कह रहा है उसके बाद ए एन प्लस वन इक्वल टू ए एन इंटू ए एन माइनस वन एंड ए वन इज इक्वल टू वन, तो फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू। ठीक है, तो ये रेकरेंस और ये सब मिला के है, हालांकि इसमें आपके लिए बहुत डेंजरस रेकरेंस सॉल्व नहीं करनी। तो यहाँ मेरे पास है ए एन प्लस वन बराबर ए एन इंटू ए एन माइनस टू। ठीक है बेटा, अब अगर मैं एन की जगह टू डालूंगा तो मेरे पास ए थ्री क्या बनेगा बच्चे, ए टू इंटू ए वन, एन की जगह टू डालूंगा राइट। फिर मैंने एन की जगह थ्री डाला तो ए फोर बेटा क्या बनेगा, ए फोर बनेगा ए थ्री इंटू ए टू, और अब अगर मैं ए थ्री पुट कर दूं तो ए फोर बेटा क्या बनेगा, ए टू स्क्वायर ए वन। फिर ऐसे अब आप पैटर्न देख सकते हो, तो इजीली ऑब्जर्व कर लो, ए फाइव बनेगा ए टू क्यूब ए वन स्क्वायर। ठीक है, तो अगर अब मैं एस एन देखू तो एस एन क्या आएगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर एंड सो ऑन टिल एन। अब तुम इजीली देख सकते हो कि ए फोर से लेके सब जीपी में आ जाएंगे और ए वन ए टू ए थ्री तुम्हारे अलग थलग रहेंगे। यहां से मेरे पास जीपी आएगी, ऐसे आते जाएंगे टर्म्स एंड टर्म्स तक, तो ये कितने टर्म की जीपी बनेगी ये ध्यान रखना, ये एन माइनस थ्री टर्म्स की जीपी बनेगी, क्योंकि तीन टर्म तो ए वन ए टू ए थ्री मैंने हटा लिए। तो ये एस एन मेरे पास याद आएगा बच्चे, एस एन मेरे पास आएगा ए वन प्लस ए टू
प्लस ए वन ए टू प्लस ए ए क्या हो जाए बेटा, ए वन ए टू स्क्वायर इंटू आर, आर क्या हो जाए बच्चे ए वन ए टू की पावर एन माइनस फोर, आर की सॉरी आर की पावर एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस थ्री माइनस वन अपॉन ए वन ए टू माइनस वन। ये मेरा एस एन बनेगा। तो एस एन जो अगर मैं ओपन कर लूं तो एस एन बेटा आपके पास आ रहा है ए वन प्लस ए टू प्लस ए वन ए टू प्लस ए वन की पावर एन माइनस टू ए टू की पावर एन माइनस वन अपॉन ए वन ए टू माइनस वन माइनस ए वन ए टू स्क्वायर अपॉन ए वन ए टू माइनस वन। अब मेरे पास अब देखो ये तो कांस्टेंट है, तो जब मैं समेशन लगाऊंगा एन इज इक्वल टू वन से लेकर 10 तक एस एन, तो ये बन जाएगा समेशन एन इक्वल टू वन से लेकर 10 तक समेशन एन इज इक्वल टू वन से लेकर 10 तक ए वन ए टू ए वन ए टू माइनस ए वन ए टू स्क्वायर बाय ए वन ए टू माइनस वन, राइट। बाकी जब यहां पे मैं सम करूंगा, जब मैं यहां पे सम करूंगा तो इसमें मेरे को जीपी बनानी है, राइट। अब ये जीपी भी सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल बात तो है नहीं, है ना। अब तुम्हें पता ही है कि ए वन की वैल्यू तो वन है, उसने दे ही रखा है, मैंने दे ही रखा है ना, सवाल तो मैंने ही बनाया है। तो ए वन को वन कर दो और अब ये इक्वेशन यहां से आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। यहां से ये काम बहुत इजी है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। तो ये जो प्रॉब्लम था सिर्फ एक जीपी पर बेस्ड प्रॉब्लम था, लेकिन इसका रिकरेंस रिलेशन ऐसा बनाया गया कि देख के ये लगे ही नहीं कि ये जीपी है, ठीक है। देख के नहीं समझ में आएगा कि ये जीपी है। इसे सॉल्व करो जब थोड़ा सा तो आपको ये जीपी दिख जाएगा। तो रेकरेंस रिलेशन से डरना नहीं है, पैटर्न बनाना है। आईआईटी के अंदर ऐसी रेकरेंस रिलेशन आएगी ही नहीं जो पैटर्न ना बनाए, ये आप समझ लो। आईआईटी के अंदर हमेशा इजी इजी रेकरेंस रिलेशन आती है। एक आपको मैं बता देता हूँ किस टाइप की रिकरेंस रिलेशन देख सकती है एपी के लिए आईआईटी बहुत। एक तो डायरेक्टली आपको दे सकता है, ठीक है, इस टाइप की जो रिकरेंस रिलेशन दे सकता है आईआईटी, या फिर आपको एपी के लिए जो एक और प्रचलित रिकरेंस रहता है ना, तो इस टाइप का तो रिकरेंस तुम्हें मिल सकता है आईआईटी के अंदर। जीपी के लिए जो मैंने ये वाली दी थी ए एन प्लस वन बराबर ए एन इंटू ए एन माइनस वन, है ना। तो इस टाइप से जो है तुम्हारे पास जीपी में रिकरेंस आती है। रिकरेंस ये होती है ए एन इक्वल टू आर टाइम्स ए एन माइनस वन, ये भी एक बहुत फेमस वेरी वेरी फेमस रिलेशन है जीपी का, है ना। तो यह ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एच पी एच डी एच इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी डैश ए प्लस पी डबल डैश। ये तो मैंने तुम्हारे लिए फॉर्मूला बेस्ड सवाल ले आया है ना, बाय पार्ट्स लगाना है, विद ट्रिक्स लगानी है।
पी एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स पी डैश एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स पी डबल डैश एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, और ये ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, प्लस माइनस प्लस और ऐसे चलेगा। क्या बन जाए ये इंटीग्रल तुम्हारा, पी एच माइनस कॉमन ले लो जे बाहर, पी एच ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस पी डैश एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस पी डबल डैश एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स एंड सो ऑन। ये बन जाएगा ये इंटीग्रेशन, ए टू दी पावर माइनस एक्स बाहर ले लो, पी ऑफ एक्स प्लस पी डैश एक्स प्लस पी डबल डैश एक्स एंड सो ऑन, ये बनेगा। और इस पे एच सी एज ए जीरो डालेंगे, एच सी एज ए इंफिनिटी डालेंगे, एच सी एज ए डालेंगे, एच सी एज ए इंफिनिटी डालेंगे। इंफिनिटी पे तो जीरो आ रहा है और ए पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा ई टू दी पावर माइनस ए इंटू पी ऑफ ए प्लस पी डैश ए प्लस पी डबल डैश ए एंड सो ऑन इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी डैश ए प्लस पी डबल डैश ए एंड सो ऑन। इसका मतलब यहाँ से ई टू दी पावर माइनस ए वन आ गया तो ए की वैल्यू जीरो आ गई, तो इसका आंसर आ गया बेटा जीरो। और ये जो है पुतनम में प्रपोज प्रॉब्लम थी, दिस वॉज अ प्रपोज पुतनम प्रॉब्लम फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम्स, ठीक है। तो ये आपको एडवांस में साइड का प्रॉब्लम दिख सकता है, ठीक है, वेरी प्रोबेबल। तो इसमें बस आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए कि हम लोग ये क्रिस क्रॉस वाला ट्रिक लगा देते हैं इसमें ना, तो ये बड़ा अच्छा प्रॉब्लम हो जाता है। नाउ दिस वन इज अ वेरी गुड वन अगेन, फाइंड अ रियल नंबर सी एंड अ पॉजिटिव नंबर एल फॉर विच। तो यहां से ये प्रॉब्लम तो अपन ना एंड में ले आते हैं इधर। हाँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे स्पेस रिक्वायरमेंट है। क्या निकालना है बच्चे, लिमिट निकालनी है आर गोज टू इंफिनिटी आर की पावर सी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू x to the power r sin x dx divided by integration 0 to pi by 2 x to the power r cos x dx। तो यहां पे हम लोग सीरीज एक्सपेंशन का यूज करेंगे, इसको मैं बना सकता हूं एस लिमिट आर टेंडिंग टू इंफिनिटी आर टू दी पावर ऑफ सी इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू एच टू दी पावर आर, और साइन एच तुम्हारा क्या होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय इंटीग्रल जीरो से पाई बाय टू है ना एच टू दी पावर आर एक्स माइनस सॉरी वन माइनस एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एच टू दी पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सिंप्लीफाई करेंगे, ये मानेगा लिमिट आर टेंडिंग टू इंफिनिटी
आर टू द पावर ऑफ सी इंटू, अब ये इंटीग्रेट होगा पॉलिनोमियल जैसे, ये तुम्हारा क्या बनेगा, एक्स टू द पावर आर प्लस वन माइनस एक्स टू द पावर आर प्लस 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर आर प्लस 5/5 फैक्टोरियल। तो इसका मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से π/2 की लिमिट्स पर, ठीक है। तो ये क्या क्या बनेगा, जैसे इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स टू द पावर आर प्लस 2/r+2 और लिमिट है π/2, तो ये बनेगा π/2 की पावर आर प्लस 2 अपॉन आर प्लस 2, ठीक है, माइनस π/2 की पावर आर प्लस 4 π/3 × 6 r+4। बाकी टर्म्स आप इग्नोर करते हैं ना, जी 0 से 1 π/2 चल रहा है, डिवाइडेड बाय सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा π/2 की पावर r+1 अपॉन r+1 माइनस π/2 की पावर r+3 अपॉन r+3, ये बन गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा लिमिट आर टेंड इनटू इंफिनिटी आर टू द पावर ऑफ सी, ठीक है, और ये वाली चीज हमने एज इट इज ले ली, ये वाला बाहर है ना, π/2 की पावर r+4 अपॉन 6r+4 π/2 की पावर r+4/6r+4 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा π/2 की पावर -2 अपॉन r+2 -1 डिवाइडेड बाय, यहां से लो जे π/2 की पावर r+3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये 2 आएगा ना, 2 फैक्टोरियल था, अपॉन 2 टाइम्स r+3, और अंदर क्या बनेगा मेरे दोस्त, अंदर बनेगा π/2 की पावर -2 अपॉन r+3 -1, ठीक है। अब ये वाली लिमिट तो तुम्हारी सॉल्व हो के 1 बन गई है ना, और अब बचा लिमिट इतने पे, तो ये आ रहा है लिमिट आर टेंडिंग टू इंफिनिटी आर टू दी पावर ऑफ सी, आर टू दी पावर ऑफ सी इंटू आर टू दी पावर सी इंटू यहाँ पे बनेगा तुम्हारा π/2 की पावर r+4 अपॉन π/2 की पावर r+3, तो ये बन जाएगा π/2 और क्या बनेगा, और बनेगा 1/3 बाहर ले लो, और r+3 अपॉन r+4,
यार ये तो वन बन गया और अच्छा यहाँ पे अपन ने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे ना ये 6/2, ये 3-1 2 बनता और ये तुम्हारा 1 बनता। जब डिवाइड करोगे ना तो ये ऊपर 6 भी तो बचे था ना यार मेरे दोस्त, 6 टाइम्स, और ऐसा बनता R+4/R+2 -1। अब इसमें लिमिट R→∞ डालोगे तो 5 बनेगा इधर, और इधर पे तुम्हारा क्या बनता, इधर पे तुम्हारा ठीक है -2 बनता। ठीक है और ठीक है, अब जैसे मेरे ये वाला देखना है ना, इसका मुझे इतना मोड़ लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे R+4 तक गए है ना, तो यहाँ भी तो R+4 या उससे ज्यादा तक जाना पड़ेगा नीचे, तो इसका इतना मोड़ लिख लो R+1, R+3 और क्या आएगा फिर R+5। डिवाइडेड बाय 6R+5। अब आप ये सॉल्व कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से R+5 वाली पावर कॉमन में लोगे, यहाँ से R+4 वाली कॉमन। अब ये मेरे को ऑप्शन देख के स्ट्राइक कर रहा है क्योंकि ऑप्शन में पाई नीचे है, मतलब डिनोमिनेटर में ज्यादा पावर लेनी है, तो वहां से आप इसे नॉन जीरो बना पाओगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये सवाल आपको एनालाइज करना होगा। ठीक है, आपने टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगाया और उसके बाद नीचे आपने 3 टर्म्स ली, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा ये चीज तो नॉन जीरो नहीं बनेगी, प्लस इसमें पाई ऊपर आ रहा है, ऑप्शंस में पाई नीचे, तो एक टर्म एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला हो जाएगा, आंसर आप निकाल लेना, ये आपको मिल जाएगा, है ना? अच्छा हाँ मेरा यार ये वाला प्रॉब्लम अभी मेरे को करना पड़ेगा, अभी ये मेरे से अच्छे से हुआ नहीं है, ये वाला मैं करके तुम्हें बता दूंगा। फिर ये तो जो है ये बड़ा अच्छा सवाल है, और इस टाइप का सवाल जो है तुम्हारे IIT JEE में आ सकता है। एफ इज एन इवन फंक्शन, ठीक है, तो आपने दिया आई, क्या दिया बेटा आई तुम्हें दिया है इंटीग्रेशन 0 से π/2 f(cos 2x) into cos x dx। इसमें एक बार चेंज प्रॉपर्टी लगा दो तो y बन जाएगा 0 से π/2 f(sin 2x) नहीं f(cos 2x) देखो ये स्टेप ना अभी समझ में नहीं आता कि सर अभी चेंज प्रॉपर्टी क्यों लगा है, हमें तो चेंज अंदर करना है बाहर है नहीं, पर अब जैसे तुम एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो 2i बेटा तुम्हारा क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 f(cos 2x) into cos x+sin x, और cos x+sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, √2 times cos of x-π/4 लिख सकता हूँ ना, ये तो तुम लोग का आता ही होगा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री, तो ये बन जाएगा √2 times cos of x-π/4। तो आई बन जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 f(cos 2x) into cos of x-π/4। अब क्या करूंगा,
मैं एक्स माइनस वाई बाय फोर को टी ले लूंगा, ठीक है? तो ये मेरी इंटीग्रल बन जाएगी 1/√2, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर। बस ये स्टेप मेन था जो आपने चेंज प्रॉपर्टी लगाई, वो लगाई इसलिए कि आप एक्स माइनस पाई बाय फोर को टी ले लो। तो ये बन जाता है एफ ऑफ क्रॉस ऑफ 2x क्रॉस ऑफ 2x माइनस पाई बाय टू। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्रॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस टू एक्स, क्रॉस थीटा इक्वल टू क्रॉस ऑफ माइनस टू थीटा। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ साइन 2x। और क्या बन गया, एक्स माइनस एफ ऑफ साइन 2t, और ये बन जाएगा तुम्हारा क्रॉस टी डी टी। और अब क्या है तुम्हारे पास, एफ तो इवन फंक्शन है, तो ये तुम्हारा 1/√2, और ये बन जाए 2 टाइम्स 0 से π/4 एफ ऑफ साइन 2t कॉस टी डी टी। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है तुम्हारा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल रिवाइज करने के लिए। और इस टाइप का सवाल अगेन प्रोबेबल है कि एडवांस में आ जाए, फंक्शन बदल सकते हैं, ऑड कर सकते हैं, कुछ कर देंगे, लेकिन आप ये वाला सवाल बना लोगे ऐसा पूरा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इजी प्रॉब्लम थी, बहुत टफ नहीं थी। हाँ, बस यहाँ पे ये सोचना मुश्किल होता है कि वहां तो अंदर चेंज करना है, लेकिन चेंज प्रॉपर्टी लगाते बाहर चेंज हो। तो आप एक स्टेप थोड़ा सोचो जे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो मैं अगेन कॉस में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगेन अभी एक मेरा बनाया क्वेश्चन है, मतलब मेरा बनाया क्या, ऐसे क्वेश्चन आते ही है। क्वेश्चन जा रहा है, लेट जेड वन लाई ऑन द कर्व मॉड जेड माइनस वन प्लस मॉड जेड प्लस वन इक्वल टू फोर, एंड जेड टू लाई ऑन द कर्व मॉड जेड माइनस वन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस वन। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है? तो जेड वन का लोकस पूछा है, जेड टू का लोकस पूछा है, और ये दो चीजें आपसे पूछी है। तो जेड वन तो तुम्हें दिखी जाए होगा एलिप्स है। क्यों एलिप्स है, क्योंकि अगर मैं जेड एक मूविंग पॉइंट मान लू तो इसका सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट कॉन्स्टेंट है। अभी जो सम ऑफ डिस्टेंस होता है इसको आप 2a लिख सकते हो, तो 2a की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, और 2ae की वैल्यू 1 है ना, 2ae की वैल्यू 1 है, तो e की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये एलिप्स है जिसे फोसाई है 1,0 माइनस 1,0, ए 2 है और एक्सेंट्रिसिटी 1/4 है, तो क्या बी भी आ जाएगा? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो b√3 आ जाएगा, और इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 बराबर 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 1, जहां फोकस आपके 1 0 और -1 0 है। ठीक है, इस अमाउंट डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम द फोकाई इज कांस्टेंट। दूसरा है, जेड टू लाई ऑन द कर मॉड ऑफ जेड माइनस वन बराबर रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस वन। तो अगर मैं जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लू, तो मॉड ऑफ जेड माइनस वन तो क्या हो जाए, डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम 1,0, और ये तुम्हारा क्या बन गया, एक्स प्लस वन। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ मूविंग पॉइंट फ्रॉम 1,0
इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन एक्स प्लस वन। सही बात, एक्स प्लस वन लाइन से भी यही डिस्टेंस होगा, और एक्स प्लस वन लाइन मतलब एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन डायरेक्ट्रिक्स हो गई, एक्स प्लस वन डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो ये मेरा पैराबोला बन जा रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स। ठीक है, यहां पर ए की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, वन कमा जीरो। ठीक है, तो z2 इज कंफोकल विद z1, सही है, z1 lies on a curve with eccentricity 1 by 4, सही है। अब मुझे क्या चाहिए, लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 माइनस z2, मतलब z1 क्या है, एक पॉइंट है एलिप्स पे, और z2 क्या है, एक पॉइंट है इस पैराबोला पे। अब इन दोनों के बीच जो लीस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट होगा वो तो खैर इसमें जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों इंटरसेक्टिंग है, आएंगे मेरे ख्याल से वाई स्क्वायर की जगह फोर एक्स डालोगे तो कितने रूट आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस फोर एक्स बाय थ्री वन, से नंबर ऑफ रूट्स आ रहे हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, तो दो रूट आ रहे हैं। तो क्लोजेस्ट पॉइंट तो जो है बिल्कुल आपस वाले ही हो जाए, बट अगर मान लो नॉन जीरो मैं बोल दूं तो उस केस में मुझे कॉमन नॉर्मल चालॉन पॉइंट निकालना है ना, ये मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ। तो कॉमन नॉर्मल आप निकाल लोगे पैराबोला के लिए, वो आएगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू, और एलिप्सी भी ऐसी तुम्हारी कॉमन नॉर्मल की इक्वेशन आएगी। टैंजेंट की जो थी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर, है ना, बस ये टैंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कॉमन टैंजेंट कॉमन नॉर्मल दोनों हो जाए ना। क्लोजेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, कॉमन नॉर्मल का कॉन्सेप्ट अपन 10 बार देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बी ए गिवन पैराबोला एंड अ वेरिएबल कॉट कट्स द पैराबोला एट पी एंड क्यू। अच्छा, लेट सी बी द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इफ द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पी एंड क्यू। तो पी क्यू पे जो लोकस ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो बेटा क्या आएगा मेरा, 1/4 टी वन टी टू, 1/4 टी वन टी टू, ए टी वन टी टू प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट तो यही होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए टी वन प्लस टी टू। तो टी वन टी टू की वैल्यू आ गई बच्चे माइनस फोर, टी वन टी टू की वैल्यू बच्चे आ गई माइनस फोर। अब आओ इधर, ये मेरा पी क्यू जो है ये हो गया फोकल, ये हो गई कॉर्ड, है ना, और ओरिजिन। इस ट्राइंगल का मुझे एरिया मैक्सिमाइज करना है ना। तो ये स्लोप कितना बनेगा, ए टी स्क्वायर कमा टू ए टी वन, तो टू बाय टी वन, और ये स्लोप कितना बनेगा बच्चे, टू बाय टी टू, दोनों का प्रोडक्ट आएगा माइनस वन, मतलब ये 90 डिग्री के एंगल पे, ये 90 डिग्री के एंगल पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा, हाफ इंटू अंडर रूट ऑफ ये वाला साइड लेंथ, कितना बनेगा, ये है टी वन स्क्वायर टू टी वन, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ टी वन की पावर फोर प्लस फोर टी वन स्क्वायर इंटू टी टू की पावर फोर प्लस फोर टी टू स्क्वायर। और यहां से मैं टी टू की जगह माइनस फोर बाई टी वन डालूंगा और इससे मिनिमाइज करना है, तो सिर्फ इस क्वांटिटी को ले लो, टी वन की पावर फोर प्लस फोर टी वन स्क्वायर मल्टीप्लाई में फोर की पावर फोर, दैट इज 256।
बाई टी वन स्क्वायर प्लस फोर प्लस 64 बाय यहाँ पे 4 आई की पावर और यहाँ पे स्क्वायर आई की पावर। तो अब अगर मेरे को ये सिंप्लीफाई करना है तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4 बाय टी वन स्क्वायर इंटू ये बनेगा 256 प्लस 64 टी वन स्क्वायर। अब इस चीज से मुझे मिनिमाइज करना है तो ये बन जाएगा 256 प्लस 64 टी वन स्क्वायर प्लस 64 टी वन स्क्वायर प्लस 256 इंटू 4 बाय टी वन स्क्वायर और प्लस में बना 64 इंटू 4। तो अब ये चीज अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या बन रही है बेटा, ये तो तुम्हारी बनी पड़ी है 81 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारी बनी पड़ी है 32 बाय टी वन का होल स्क्वायर ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दू, यहाँ पे अगर मैं माइनस कर दू माइनस करूँ कि प्लस करूँ देखते हैं, ये कितना बन रहा है तुम्हारा 256 और 64 इंटू 4 देखो मुझे कितना चाहिए 2 इंटू 8 इंटू 32 ठीक है 2 इंटू 8 इंटू 32 तो 32 एट जा कितना होता है बच्चे 256 इंटू 2 और एग्जैक्टली यही लिखा है 256 और 256 इंटू 2 तो ये बन जाएगा 8T1 प्लस 32 बाय टी वन का होल स्क्वायर। तो अगर मुझे इस चीज से मिनिमाइज करना है तो इसका मतलब मेरा क्या होना चाहिए, ये चीज मिनिमाइज होनी चाहिए। ये कब मिनिमाइज होगी, जब 8 माइनस 32 बाय टी वन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 0, तो 1 बाय टी वन स्क्वायर जब मेरा 1 बाय 4 आएगा, जब मेरा टी वन 2 आएगा तो 16 प्लस 16 का होल स्क्वायर ठीक है। ये अच्छा इसका अंडर रूट ले लेना, जब मिनिमाइज हो जाए तो अंडर रूट ले लो जे राइट एरिया का, तो ये बनेगा 8T1 प्लस 32 बाय T1। अब कर दो मिनिमाइज ठीक है, इजी प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन आप कर लोगे, कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा बता दिया। लास्ट प्रॉब्लम आज से सेशन का, ये अभी जेई का बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट चल रहा है, पॉलीगन एंड एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पर देखो हम क्या चीज एक्सप्लोइट करेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि हमें नॉन यूनिटी रूट ही लेना है। तो मैं अगर A1 तो 1 ले लूं, तो मैं A2 तो A1 एप्सिलॉन लिख सकता हूँ, A3 तो A1 एप्सिलॉन स्क्वायर लिख सकता हूँ एंड सो ऑन टिल An तो A1 एप्सिलॉन की पावर N-1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है बेटा मेरे, e टू दी पावर आयोटा 2 पाई के बाय एन, ई टू दी पावर 2 पाई बाय एन ठीक है, यही बनेगा। आप देख लो बस, अब आपको दोनों साइड कंप्यूट करना है A1 A2
प्लस ए टू ए थ्री से लेकर an a1, ये क्या बन जाएगा? a1 a2 क्या बनेगा बेटा तेरा? a1 एक्सेलेंट, ठीक है। a2 a3 क्या बनेगा? यहाँ सॉरी, a1 a2 बनेगा a1 स्क्वायर एक्सेलेंट प्लस a1 स्क्वायर एक्सेलेंट क्यूब, ठीक है, प्लस a1 स्क्वायर एप्सिलॉन की पावर 5 एंड सो ऑन टिल a1 स्क्वायर एप्सिलॉन की पावर n माइनस 1। तो ये सम कंप्यूट करोगे तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा भी कंप्यूट करोगे 0 आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज आप पिछले साल के सवाल में भी लगा सकते हो, जो पॉलीजन और nth रूट ऑफ यूनिटी वाला आया था। तो nth रूट ऑफ यूनिटी और पॉलीजन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिपीटेडली आता है, तो इस पे पकड़ बना लेना। अब एक अपन वीडियो रिवीजन की एक और लाएंगे, ठीक है, एक रिवीजन वीडियो अपन और लाएंगे, और उसमें जो अपन पढ़ रहे हैं उनसे थोड़े और सवाल करेंगे, है ना। मेनली अब पीएनसी पे फोकस करेंगे, थोड़ा अलजेब्रा 11th क्लास का पोर्शन और डिफरेंशियल कैलकुलस से अब सवाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।